नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। सभी पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, ईपीपीओ अभी डाउनलोड करें, देखिए लाइव डेमो पीसीडी इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट से। चलिए जानते हैं कि हमारे सभी पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के जो ईपीपीओ है वो आप मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जानेंगे इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो घंटे का बटन है उसे भी जरूर दबा दें, जिससे आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम इस समय हैं पीसीडी इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम आपको इस वेबसाइट के माध्यम से हमारे पूर्व सैनिकों के ईपीपीओ कैसे डाउनलोड करते हैं उसको लेकर जानकारी देंगे। तो आपके ईपीपीओ देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कमीशन ऑफिसर्स, जेसीओ एंड अदर रैंक, डिफेंस सिविलियन, आप जो भी हैं उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप पेंशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने ये दो कॉलम आ जाएंगे। यहाँ पे पहले कॉलम में अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, जो कि आपके पीपीओ में दे रखा है, और सेकंड कॉलम में अपना रेजिमेंटल नंबर लिखना है। अगर आपका जो नंबर है वो 7 डिजिट का है तो उसके आगे आपको 0 लगाना है, और रेजिमेंटल नंबर के जो अंत में जो नंबर है वो भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इसके बाद में आपको इमेज वेरिफिकेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे 21+9 लिख रखा है तो यहाँ पे टोटल हो जाते हैं तो 30, तो आपको यहाँ पे 30 लिखना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद में आपका जो ईपीपीओ का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाम दे रखा है और यहाँ पे आईसी नंबर दे रखा है और यहाँ पे डेट ऑफ डायरी दे रखी है और यहाँ पे क्लेम स्टेटस फाइनल दिखा रहा है और यहाँ पे जो आपके 12 डिजिट के पीपीओ नंबर हैं वो दे रखे हैं और यहाँ पे व्यू पीपीओ डिटेल यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है पीपीओ कॉपी, लेकिन यहाँ से आपका ईपीपीओ डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, तो वो अभी यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा। तो कैसे डाउनलोड करना है हम आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे सभी पूर्व सैनिकों के साथ में शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाके डिजी लॉकर नाम का एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना होगा और आपको साइनअप करना होगा, और फिर लॉगिन करके यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है उसमें पीसीडी लिखना होगा। पीसीडी यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में पेंशन सर्टिफिकेट आ गया है, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब जो आपको पीसीडी इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पीपीओ स्टेटस दिखा रहा था 12 डिजिट का जो नंबर है वो उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद में आपके सामने आपका नया ईपीपीओ निकल के सामने आ जाएगा। तो इसके बाद में इस पीपीओ में आप पे की डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे नॉशनल पे दे रखी है इनकी 25,500 रुपये, लेवल 4 MSP 5,200, क्लासिफिकेशन अलाउंस 200, ग्रुप पे 0 दिखा रखा है और यहाँ पे नॉर्मल फैमिली पेंशन दे रखी है और यहाँ पे इनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दे रखी है और यहाँ पे एडिशनल पेंशन दे रखी है 80 ईयर्स में आपको कितनी बढ़ोतरी होगी, 85 में कितनी होगी, 90 ईयर्स में कितनी होगी और 95 में कितनी होगी, और 100 साल में आपकी पेंशन फुल पेंशन मिलेगी। इस तरह से इस ईपीपीओ में डिटेल दे रखी हैं। तो अगर आपका भी ईपीपीओ का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है तो आपका भी ईपीपीओ पीसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है डाउनलोड तो कुछ दिनों बाद में ट्राई करें, डाउनलोड हो जाएगा, जब भी प्रोसेस पूरा होगा तो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये थी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।